लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और वो पूछना चाहता है तो पूछ सकता। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होते थे जिनका हम आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते थे, ठीक है। लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होगा, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल होगा, उसका हम रिलेशन चेक करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ वेरिएबल में दो वेरिएबल भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल का रिलेशन किसी दूसरे वेरिएबल के साथ चेक करना मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसकी रेंज 0 से +1 के दरम्यान होती है। जीरो से +1 के दरम्यान मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज होती है और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है उसमें है कोरिलेशन R1.23, R1.23, टू और थ्री हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, इसका हमने रिलेशन चेक करना है, कंबाइन इफेक्ट चेक करना है वन के साथ। टू और थ्री का कंबाइन इफेक्ट वेरिएबल वन पे क्या होगा, ये चीज चेक करने के लिए हम मल्टीपल कोरिलेशन की तरफ मूव करते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसे होगा, R12 का स्केयर कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 जो होगा उसका स्केयर करेंगे प्लस कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 3 का स्केयर माइनस 2 R12 R13 R23। डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्केयर। हम चलिए वन मल्टीपल पॉइंट टू थ्री को दोबारा बता दें। R1.23 कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल वन एंड अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल इंक्लूडेड वेरिएबल टू एंड थ्री इज इक्वल टू R12 का स्केयर कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल वन एंड टू का स्केयर प्लस कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल वन एंड थ्री का स्केयर माइनस टू R12 R13
आर 13 आर 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 2 एंड 3 का स्क्वायर। इसको हम आर 2 डॉट 13 भी फाइंड कर सकते हैं, कोरिलेशन बिटवीन 3 डॉट 12 भी फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ ये तो ज़रा एक दफ़ा देख लो। इसमें हो सकता है कि मैं ये क्वेश्चन में या इसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं, हमने आर आर टू डॉट वन थ्री फाइंड करना हो तो फिर हमारे पास ये फार्मूला क्या होगा। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा आर वन डॉट टू थ्री से कैसे फार्मूला ये जनरेट हुआ। उसके लिए पहले डॉट से पहले वन डॉट टू स्मॉल आर कोरिलेशन बिटवीन वन एंड टू आ जाएगा, इसके साथ स्केयर है, प्लस वन थ्री के साथ आ जाएगा, वन थ्री का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस, ये वाली टर्म हमेशा कांस्टेंट इसी तरह से रहेगी, टू आर वन टू आर वन थ्री आर टू थ्री, चाहे आर टू डॉट वन थ्री फाइंड करें या चाहे वन डॉट टू थ्री फाइंड करें, ये हमेशा इसी तरह से आएगा, डिवाइडेड बाय। जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं होता वो अपना माइक ऑफ रखें। वन माइनस आर टू थ्री, ये जो डॉट के बाद में है हमारे पास डिजिट्स, आर टू थ्री का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमने आर टू डॉट वन थ्री फाइंड करना होता तो हमारे पास होता सर वेरिएबल यही तीनों लेंगे, वन टू थ्री की जगह पर एक्स वाई जी भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, इसमें हो वेरिएबल नेम है सर, वेरिएबल नेम वेरिएबल तीन से, वेरिएबल तीन से ज्यादा भी होते हैं लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, उसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और वो लेंथी भी है। आपके कोर्स में सिर्फ थ्री वेरिएबल्स तक है। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स के नेम एक्स वाई और जी भी हो सकता है, या जो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे उन वेरिएबल्स के नेम भी हो सकते हैं। ये वेरिएबल के नेम हैं, इनको आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आपने जो वेरिएबल के नेम या जो रिलेशन बताया है उसके मुताबिक ही यहाँ पर आपने फार्मूला भी पुट किया हो। ठीक है, जब आपके पास आर टू डॉट वन थ्री होगा तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो आर वन आर टू वन का स्केयर प्लस आर टू थ्री का स्केयर, यहाँ पर टू थ्री आ जाएगा, वन थ्री की बजाय टू थ्री आ जाएगा, माइनस ये टर्म कांस्टेंट है हर एक के साथ यही आएगी, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर वन थ्री का स्केयर, यहाँ पर वन आ जाएगा, आर वन थ्री का स्केयर बन जाएगा। क्लियर हो गया?
ठीक है, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो मज़ीद ये वाज़े हो जाएगा। इसमें आपको R12, R13 और R23 गिवन होंगे, इनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, इफ़ द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल X1 एंड X2 is 0.73, the correlation between variable x1 and x3 is 0.53, and the correlation between variable x2 and x3 is this one, then find R1.23। अपने रोल नंबर मैसेज में सेंड करने की जरूरत नहीं है, अब बार बार ये काम ना करो। कोरिलेशन x1 एंड x2 R12 आपके पास 0.73 गिवन है, कोरिलेशन x1 एंड x3 0.53 गिवन है, कोरिलेशन बिटवीन x2 एंड x3 0.64 गिवन है, और आपने फाइंड करना है R1.23। ठीक है, R1.23 जब आपने फाइंड करना है तो उसके लिए R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2R12 13 23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर। पॉइंट के बाद 2 एंड 3 है तो हमारे पास 23 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 2 कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड 2 हमारे पास 0.73 है, उसका स्क्वायर प्लस 0.53 का स्क्वायर माइनस 2 × 0.73 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 0.64। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर, 23 हमारे पास 0.64 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.53 का स्क्वायर माइनस 2 × 0.73 0.53 मल्टीप्लाई बाय 0.64, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.3186 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.64 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 0.5904। ठीक है, जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे और आंसर का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास जवाब आएगा, एंड रिजल्ट आएगा 0.7346। अगर किसी का क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन फाइंड करते हैं और
कोई तीसरा वेरिएबल हमारे पास एज अ कांस्टेंट होता है, हमें इलम होता है, हमें इस चीज़ का पता होता है कि थर्ड वेरिएबल का इम्पैक्ट रिलेशनशिप के ऊपर है, लेकिन हम फिर भी उसे इग्नोर करते हुए उसकी मौजूदगी में हम उन दो वेरिएबल्स की कोरिलेशन चेक करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर फर्टिलाइज़र खाद हम ज़्यादा डालेंगे तो यील्ड हमारे पास ज़्यादा होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि इसमें वाटर का, पानी का बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि पानी को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हुए पानी की मौजूदगी के अंदर हम फर्टिलाइज़र और यील्ड का रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि थर्ड वेरिएबल का इम्पैक्ट मौजूद है, लेकिन हम दो वेरिएबल्स का रिलेशन चेक करते हैं थर्ड वेरिएबल की मौजूदगी के अंदर, लेकिन हम उसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इसकी रेंज -1 से +1 के दरमियान होती है, ठीक है। कोरिलेशन की रेंज -1 से +1 के दरमियान होती है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा उसमें कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 and 2 कीपिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल एज कांस्टेंट, इसमें थर्ड वेरिएबल को हमने एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया है, और कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 and 2 फाइंड करनी है। तो इसका जो फार्मूला होगा कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 and 2 माइनस कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 and 3 मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 2 and 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन 1 and 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन 2 and 3 का स्क्वायर। हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं? हमारे पास कोरिलेशन बिटवीन 1 and 2 कीपिंग द इफेक्ट ऑफ अब अगर किसी की आवाज आई बगैर किसी क्वेश्चन के, अगर किसी का माइक ऑन हुआ तो मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। R12.3 हमारे पास है, तो हमने ये फार्मूला जनरेट कैसे करना है? R12 एज इट इज आ जाएगा माइनस R13 1 और 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय R2 and 3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 का स्क्वायर, 13 जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर। क्लियर है?
अगर किसी को इस फॉर्मूला में सर हम प्रॉब्लम है। सिंपल कोरिलेशन का भी सर हम सिंपल कोरिलेशन को भी स्मॉल आर से डिनोटेड करते थे, इसे भी स्मॉल आर से, इनमें कोई डिफरेंस? सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास R12 होता था, सिंपल R, और उसकी सबस्क्रिप्ट में दो वेरिएबल्स के नेम एक्स वाई या X1 X2 या कोई सा भी हमारे पास नेम होता था। इसमें पार्शियल कोरिलेशन में स्मॉल आर से डिनोट करते हैं R12.3। इसके जो सबस्क्रिप्ट में है वो इन दोनों का डिफरेंस शो कर रहा है, उसमें जस्ट R12 था, इसमें R12.3 अभी आ गया। ठीक है, तो सर सिंपल कोरिलेशन के अंदर भी हम दो वेरिएबल के अंदर रिलेशन फाइंड करते थे, वहां पे तीसरे का कोई इफेक्ट नहीं होता या तीसरा होता ही नहीं है? तीसरे का इफेक्ट हमने काउंट ही नहीं करना होता सिंपल कोरिलेशन में। सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास जस्ट दो ही वेरिएबल्स होते हैं, तीसरा वेरिएबल हमारे पास नहीं होता। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन में हमने इफेक्ट चेक किया वाटर का और यील्ड का इम्पैक्ट क्या होता है, या फर्टिलाइजर का और यील्ड का इम्पैक्ट क्या होता है, ये हमने सिंपल कोरिलेशन में चेक किया। लेकिन पार्शियल कोरिलेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, वाटर, फर्टिलाइजर और यील्ड। हम क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट यील्ड पे क्या होगा, जबकि वाटर को हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करें। हमारी स्टडी के अंदर वाटर भी मौजूद है, लेकिन हम वाटर का इम्पैक्ट कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग कोई केक बेक करते हो तो उसमें वाटर भी आपका एक इंग्रेडिएंट्स होता है, तो आप उसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हो। वाटर आप आम सादा जो नल में से आता है या टूटी जिसे आप बोलते हो उसमें से जो आता है, आप वो पानी यूज़ कर रहे हो या मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हो। मिनरल वाटर में भी आपके मुख्तलिफ सिचुएशंस, मुख्तलिफ जोन से वो प्रोडक्ट्स हैं, नेस्ले का हो गया या दूसरे आपके पास, आप उन उस वाटर के इम्पैक्ट को भी, आपको पता है कि वाटर का इम्पैक्ट है लेकिन आप उसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हुए जस्ट आप अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका आप इम्पैक्ट चेक करते हो कि वो केक से बेक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद ये वाजे हो जाएगा। इसमें भी मैंने वैल्यूज सारी सेम ली हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ली थी, फर्क सिर्फ R12.3 का है। कोरिलेशन R12 हमारे पास 0.73 है, R13 हमारे पास 0.53 है और R23 हमारे पास 0.64 है। हमने फाइंड करना है R12.3। सिंपल कोरिलेशन हमारे पास 0.73 है। ठीक है, हमने R12.3 फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की, R12 की वैल्यू 0.73 माइनस 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 0.64 और इसी तरह से 0.53 का स्केयर और 0.64 का स्केयर हमने पुट किया। जब हमने ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 0.3908 आंसर आया। जब हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.6513।
0.16 इनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 0.5998। ठीक है, इस तरह से हमने पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से हम R13.2 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, R23.1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, जस्ट ये फार्मूला चेंज होगा हमारे सबस्क्रिप्ट में, जो जिस तरतीब के साथ ये डिजिट्स लिखे हुए हैं उसके मुताबिक हमारा ये फार्मूला चेंज होगा। उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद एक आंसर आ जाएगा। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं इस लेक्चर को क्लोज करने लगा। सीयर इनकी अटेंडेंस ले लो। सीयर अटेंडेंस होगी इनकी? ये अलामा साहब कौन है? ये अलामा साहब कौन है? सीयर आप क्लास में हो?